नमस्ते सभी को, मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। सेकंड ईयर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल फिजिक्स की बुक अपने चल रही थी। लास्ट टाइम तक अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के बारे में अध्ययन किया था और इसमें आयवे ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या एनआई के फॉर्मूले अपन ने तीनों प्रकार की सांख्यिकी के लिए डिराइव किए थे। अब तीनों प्रकार की सांख्यिकी में क्या क्या डिफरेंस है, मोटे तौर पर उनकी स्थिति आज अपन एक छोटे से लेक्चर में करते हैं। तो तीनों प्रकार की सांख्यिकियों का क्लासिफिकेशन बोर्ड के अनुसार है। सबसे पहली बात है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी होती है उसमें कण विभेद्य होते हैं। विभेद्य का मतलब है कि चार कण ए बी और सी डी है तो चारों के अंदर अंतर किया जा सकता है कि ये कण ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फर्मी डिराक सांख्यिकी के अंदर कण होंगे अविभेद्य। अविभेद्य का मतलब है कि अगर चार कण ए बी सी और डी है तो उन चारों में अंतर नहीं किया जा सकता, वो चारों ही कण ए कहलाएंगे या बी कहलाएंगे या सी कहलाएंगे या डी कहलाएंगे, मतलब चारों ही मनुष्य है और इसमें मनुष्य चार है तो उनके चारों के अलग अलग नाम दे रखे हैं कि ये राम है, ये सोहन है, ये मोहन है, इस प्रकार से। सेम चीज है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स है उसके अंदर, इसमें भी कण अविभेद्य होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से विभेद करना, अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। इसके बाद अपन स्टडी करते हैं सेकेंड बोस मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है, उसमें कणों का वितरण स्पिन या स्पिन क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है। फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों की स्पिन क्वांटम संख्या या स्पिन का मान अर्ध विषम पूर्णांक होता है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 2n ± 1/2 होता है। इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों का स्पेशल कैटेगराइज किया हुआ नाम है, वो है फर्मियोन। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में भी कणों का वितरण स्पिन पर आश्रित होता है और कणों की जो स्पिन होती है वो पूर्णांक होती है, 0 से चालू होते हुए 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं। और इस सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों का जो विशेष नाम है वो नाम है सत्येंद्रनाथ बोस के सम्मान के अंदर बोसोन। तीसरा है कणों के वितरण की कुल प्रायिकता ओमेगा बराबर फैक्टोरियल एन पाई जी आई की पावर एन आई बटे में एन आई का फैक्टोरियल। पाई का मतलब है यहां आई की जगह 1, 2, 3, 4 रखोगे तो जो भी पद आएंगे उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। सिग्मा होता है तो जोड़ का लगाना होता है, पाई का मतलब गुणा का चिन्ह लगाना है। एमडी स्टैटिक्स के अंदर ओमेगा बराबर एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन में एन आई का फैक्टोरियल, जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल और साथ में पाई आई। इसी प्रकार से बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए ऊष्मा गति की प्रायिकता ओमेगा बराबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी जाती है। आपको ये तीनों फॉर्मूले ही मुख्य तौर पर याद करने हैं इससे पहले वाले डेरिवेशंस के अंदर, बाकी डेरिवेशंस तीनों का एक ही जैसा है, केवल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा का मान तीनों में क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, कण पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कण पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं।
और इसी प्रकार से बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में भी पाउली अपवर्तन नियम का पालन नहीं होता है। ये चौथा डिफरेंस हो गया है। पांचवा डिफरेंस है आई में ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या एल आई का फॉर्मूला। तो एल आई बराबर होता है जी आई बटे में ए ई की पावर बीटा ई आई। ए का मान ई की पावर अल्फा अपन ने निकाला था जो कॉन्स्टेंट के बराबर था। बीटा है वन अपॉन के टी होता है एक बटे में के टी, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो टेम्परेचर के व्युत्क्रम के बराबर होती है। टेम्परेचर का व्युत्क्रम और साथ में बोल्ट्जमान नियतांक के भी, मतलब ऊर्जा का जो मात्रा करेगा उसके व्युत्क्रम के बराबर होगी, जूल इनवर्स होगी। इसके अंदर एन आई बराबर जी आई बटे में ए ई की पावर बीटा ई आई प्लस वन होता है। और इसमें एन आई बराबर जी आई ए ई की पावर बीटा ई आई माइनस ए होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन फॉर्मूलों पर प्रश्न आता है, यहां पर प्लस करके डेल्टा कुछ भी लिखा हुआ होता है, पूछा जाएगा कि डेल्टा का मान कितना हो तो कौन सी सांख्यिकी हो सकती है, या सांख्यिकी का नाम दे दिया, पूछ लिया डेल्टा का मान कितना होगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी में जीरो होगा, फर्मी डिराक सांख्यिकी में प्लस वन होगा और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में माइनस वन होगा। तो पांच डिफरेंस अपन ने इसमें पढ़े हैं। पहला डिफरेंस है एमबी स्टैटिक्स में कण विभेद्य होते हैं, बाकी दोनों में कण अविभेद्य होते हैं। सेकंड अपन ने पढ़ा था स्पिन अनाश्रित होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, बाकी दोनों सांख्यिकी स्पिन पर आश्रित होती है। तीसरा अपन ने ऊष्मा गति की प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा था, तीनों में डिफरेंट था। चौथा एमबी स्टैटिक्स पाउली अपवर्तन नियम को ओबे नहीं करेगी, फर्मी डिराक स्टैटिक्स ओबे करेगी और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स है वो पाउली एक्सक्लूजन रूल को डिसओबे करेगी। लास्ट है आई में ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या का फॉर्मूला। लास्ट के अंदर एक फैक्टर है वो तीनों में डिफरेंट है, बाकी फॉर्मूला एक जैसा है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अपन प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला निकालेंगे, उसकी व्युत्पत्ति स्टैटिक्स के बेसिस पर अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।